प्रतिभा सम्मान समारोह में मेधावी बच्चों को किया सम्मानित। कैबिनेट मंत्री ने सभी विद्यार्थियों को दी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। हमारे संवाददाता रोशन वर्मा ने बताया कि अचरोल कस्बे में आज रविवार को प्रांतीय भलाई समाज संस्था की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल रहे। मेघवाल ने कहा कि शिक्षा पाने का लक्ष्य केवल निजी सरकारी विभागों में उच्च पदों पर आसीन होना नहीं है, बल्कि श्रेष्ठ समाज की रचना में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना है। समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रांतीय भलाई समाज के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र खंडेलवा ने कहा कि प्रतिभाओं के सम्मान से बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए नई प्रतिभाओं को दिशा निर्देश देने के साथ साथ संसाधनों की पूर्ति में सहयोग देना आवश्यक है। समारोह में इस वर्ष की मैट्रिक की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। महेश कुमार कलावत, मोहनलाल चौहान, रविंद्र कुमार मलिंडा ने बताया कि इस कार्यक्रम में आमेर, जमारामगढ़, चोमू, शाहपुरा, विराटनगर सहित अन्य तहसीलों से 600 छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं बाबा साहेब की प्रतिभा देकर सम्मानित किया गया। आमेर की पूर्व प्रधान बदाम देवी वर्मा ने भलाई समाज के सामुदायिक भवन हेतु 11 लाख रुपए की घोषणा की। विशिष्ट अतिथि अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष भजन लाल रोलन, अखिल भारतीय भलाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मीरा वर्मा समाज को एकजुटता में रहने का जोर दिया। अति विशिष्ट कैलाश वर्मा पूर्व संसदीय सचिव राजस्थान सरकार ने कहा कि बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दाड़ेगा। विनोद जाकर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय, जिला परिषद सदस्य पवन वर्मा का प्रांतीय भलाई महासभा की ओर से माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर गजानंद नारोलिया, भरत कुमार बुनकर, महेश बुनकर, डॉक्टर मनीष वर्मा, राजेंद्र बुनकर, रामेश्वर बुनकर, सत्यनारायण बुनकर, नवीन कुमार बुनकर, शैलेंद्र वर्मा, महावीर जिंदल, जितेंद्र चौहान, रोशन वर्मा, राहुल जटावत, निखिल वर्मा, राकेश डुमोलिया सहित समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट AN247 न्यूज राजस्थान।